लगभग लगभग 5 महीना पहले 1 अगस्त को एक लड़का जिसका नाम था राहुल श्रीवास्तव, जो ओला का कार अपने पास रखे हुए था, ड्राइव करके कहीं उसी से रोजी रोजगार करके काम करता किया करता था। दिनांक 1 अगस्त को दो लड़कों के द्वारा, जैसा कि बताया गया कि उसका ओला को बुक किया गया, उस दिन से वो लड़का वापस घर नहीं लौटा। इस संबंध में एमडीएम थाना में दिनांक 3 अगस्त को एक सनहा दर्ज किया गया था उसकी मां के लिखित आवेदन के आधार पर। हम लोगों ने काफी प्रयास किया परंतु उस लड़के का कुछ पता नहीं चल सका। पुनः लगभग एक महीने के बाद उसके फादर के लिखित आवेदन पे हम लोगों ने कांड दर्ज किया 103/21 धारा 365 IPC के अंतर्गत। आज रात में रात्रि में गुप्त सूचना के आधार पर उस कांड के अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानकर्ता के द्वारा कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसके आधार पर हम लोगों ने दो लड़कों को गिरफ्तार किया। एक का नाम है सुधीर श्रीवास्तव, सुधीर शर्मा, और दूसरे हैं रविंद्र महतो। ये दोनों आदित्यपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों ने के गिरफ्तार करने पर कुछ साक्षी क्रम में इन्होंने सारी कहानी पुलिस को बताई, जिसके आधार पर पुलिस ने लूटा गया कार जो उस पीड़ित से लूटा गया था एवं उसकी मोबाइल को बरामद किया गया है। साथ ही इन लोगों के द्वारा बताया गया, गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि दिनांक 1 अगस्त को ये लोग कैब बुक करके चांदबिल डैम गए थे पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार, और वहाँ जाके इन्होंने चालक के साथ ड्रिंक साथ में किया और एक चांदबिल डैम के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पे ले जाके पत्थर से कुचल के उस व्यक्ति को इन लोगों ने मार के हत्या कर दी। हत्या के पश्चात उसके शव को वहीं छोड़ दिए, यौम उसका कार का चाबी, यौम उसका जो भी सामान था, मोबाइल वगैरह लेके इन लोग चल दिए। ये इन लोगों के बयान के आधार पे चांदबिल डैम से आज अनुसंधानकर्ता दीपक कुमार के द्वारा वो पहाड़ पर से मृतक का कपड़ा यौम उसका हड्डी का अवशेष जो प्राप्त हुआ है, हम लोगों ने आज उसको ही बरामद किया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है, कल गिरफ्तार की इन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए।